और भाई अस्सलाम वालेकुम। बोल बोले यार कराची से अभी तक चली 116 किलोमीटर सही है। हाँ 0 पॉइंट आ गया। वो कोच आ गई थी पूरा 20 हो गया। सही है सही है। 420 हो गया। 420 का आया पेट्रोल। मैं साइट पे लगाता हूँ, पैसे देता हूँ आपको फिर। ओ खैर तेरा 650 और ऊपर तक ले लो। 700 कर दो। 700 हो जाएगा बस। सही है। 0 पॉइंट और ये कार का एक्सीडेंट हुआ है। खैर ये सीधी जा रही है कोटा की साइड पे और ये लेफ्ट से जा रही है कुंडमलीर और मारा बीच गवादर। ये लेफ्ट उधर जा रही है सीधा कोयटा की साइड पे आ रही है। अभी हम इधर रुकेंगे, थोड़ा बहुत चाय पानी पियेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से हम निकलेंगे। फ्यूल अभी अभी हमने डलवा लिया है एहतियातन, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा कैन नहीं है। क्या हो जाता है, बार बार क्यों थकते हो बेटा? क्या बार बार क्यों रुकते हो बेटा? आप क्यों रुक रहे हैं? आप एंजॉय करें यार। ये लड़का थोड़ा चलाता है और थक जाता है। अबे मैं वीडियो बना रहा हूँ, रोड बड़ा बड़ा प्यारा बना हुआ है। हाँ अब ये हरियाली भी शुरू हो गई है, लेफ्ट राइट दोनों साइडों पे हो रही है। ये अभी देखी थी जो गाड़ी गुजरी थी, उसकी मशीन गन कैसे रखी थी, कितनी लंबी। मैं तो गन को देख के बस वही देखता रह गया। तुम जाओ, तुम अभी बहुत सुधर सुधर जा रहे हो, मैं तो मुझे टेंशन ही नहीं है। मुझे टेंशन ही दो मिनट बाद तुम्हारे पीछे आता हूँ मैं। मुझे टेंशन ही नहीं है। मुझे आगे जाओ, पहाड़ करीब आ जाएगा वहाँ रुकूंगा मैं, वहाँ तस्वीरें लेंगे, वहाँ रुकना अभी। हाँ मुझे रोड अच्छा लगा तभी रुका। हाँ ये भी पहाड़ बहुत करीब आएगा, वहाँ रुकेंगे फिर। जी तो जनाब चंदर बुक को ये रास्ता आ रहा है। सारे को ये मड वॉल के अंदर चार है, सपट अंदर है बूही को। तो सपट का रोड बन गया। हाँ है रोड है और बस यहाँ चलते हैं। ये देखना ये गाड़ी रेत में वहाँ फंसेगी, ये ऑल्टो गई है ना वहाँ इतनी। हम हमेशा आए इधर, हमें बस गाड़ी फंसी हुई मिलती है। चलो भाई ये फराज की बाइक और वो मेरी, चलते हैं अंदर चंदर गुप। चलो भाई चलो, सब ठीक लग रहा है। थोड़ी सी राइट पे दबा लेंगे गाड़ी, आप फंस गई है। गाड़ी वो फंसी हुई है, हमने कहा चलो थोड़ी हेल्प कर दें,
जितना हो सकता है, क्योंकि इस दफ़ा रेत बहुत ज़्यादा है, पैर भी अंदर घुस जाता है रेत में, वो गाड़ी फंस गई है। हाँ, वो फैमिली की गाड़ी वो फंस गई है, तो हमने सोचा थोड़ी हेल्प कर दें उनकी, जितना हो सकता है बस उतना ही कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं। और बस आ जाओ, नहीं 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 टायर का खराब हो जाएगा। चंद्रगुप्त पहाड़, मड वॉल्केनो जिसे कहते हैं, और उसकी वो सीढ़ियां लगी हुई हैं आगे, वो ऊपर जाती है, वहाँ पे एक बंदा दिख भी रहा होगा, दो तीन लोग खड़े हुए भी हैं। तो काफ़ी ऊंचाई है इसकी, हम लोग इस दफ़ा तो नहीं जा रहे क्योंकि मैं आठवीं बार आया हूँ, सातवीं या आठवीं बार, हर बार चढ़ते हैं, लेकिन अभी हमें काफ़ी आगे जाना है और मारा बीच, तो इधर टाइम बहुत लग जाएगा, अभी 2 बज रहे हैं दोपहर के। तो बस चलते हैं अब फिर। इसके पिछली वीडियो में मैं एक में गया था ऊपर टॉप तक, तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, किसी ने देखना हो तो देख ले। वो चंद्रगुप्त, ये फराज़ अहमद, और ये मेरी बाइक, पूरा मैदान दूर दूर तक। ये पानी यहाँ कैसे आ गया, इधर बारिश का है, बारिश का लग रहा है, अभी तो ग्रीनरी है। हाँ अभी ये रोड है, रोड तो ये है ना। डलवाए पेट्रोल, इसी से ही डलवाते हैं, पूछते हैं ये पाकिस्तानी होगा इसके बाद, बोल तो रहा था वो फौजी की पाकिस्तानी, चल पूछते हैं, इसके बाद ईरानी होगा। लीटर वाला है ये? नहीं, दो। हाँ, 2 लीटर, ये 2 लीटर वाला है, सही है, मेरे को लग रहा है 2 लीटर ही, 2 लीटर ही है। चलो फिर ले आओ भर के, कचरा तो नहीं होगा इसमें? नहीं, साफ, कोशिश करके साफ लाना, फिर कपड़ा है कोई, कपड़ा, कपड़ा रख के उसमें डाल दो, या कपड़ा ले आओ तो हम टैंकी में रख लेंगे, फिर ऐसे करके डाल देंगे। मलीर पहुंच गए हैं। फराज, कितनी देर का यहाँ स्टॉप है? यहाँ बस थोड़ी देर बैठते हैं, बोतल पीते हैं, निकलते हैं, बोतल पीते और निकलते हैं। टाइम बताओ, वहाँ पे अभी फोटोग्राफी करेंगे, टाइम लगेगा। हाँ, उस पर टाइम लगेगा, अभी टाइम, वो क्या हो रहा है अभी, टाइम क्या हो रहा है पता नहीं, घर अंदर चल के देख। तकरीबन कराची से चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त होके आए यहाँ तक 266 किलोमीटर है। बहुत खुशी हो रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। ये है कुंड मलीर का समंदर, गोल्डन बीच आ गया भाई। सूरज गुरूब हो रहा है उस तरफ, और हम जा रहे हैं और मारा, ये क्या था फराज, ये फीनिक्स, इसके बाद आएगा प्रिंसेस ऑफ होप, और उसके बाद और मारा। फोटो शूट चल रहा है भाई, फोटो शूट देख रहे हो भाई कैसे, ओ भाई एक बूट कहाँ गया ये एक पैर से ज़ख्मी है बेचारा, सो रहा था ये फर्श पे, पैर में इसके चूहा काट के चला गया, तो अब बेचारा इसी तरह ही चला रहा है। ये है प्रिंसेस ऑफ होप, और अब हम जाएंगे आगे, और मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। आगे बुजी टॉप है,
इसके आगे वहाँ पे बूजी पास है पूरा, कोई है ही नहीं आसपास। यहाँ से कराची है 261। गगवादर 292 और माड़ा 7 किलोमीटर अभी अंदर। नहीं 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 अंदर नहीं, अपन यहाँ गिरी बीच बस आ गया। हाँ बस आ गया, थोड़ी देर बंद कर इसको, थोड़ा यहाँ खड़ा हो, बस आ गया अपन। ये है और मारा बीच, सनसेट हो रहा है यार, कैसा ज़बरदस्त सनसेट हो रहा है। यहीं कहीं पे कैंप लगाएंगे, बाइक लगाएंगे, कोई और जुगाड़ ही नहीं था। हम लोग स्टैंड लगा रहे हैं और बाइक गिर जाती, मैंने ऐसे खड्डा बना के फंसा दी, उसने थोड़ा कम खड्डा फंसाया, उसने उधर लगा ली। सुबह हो गई, संडे का दिन और अब वापसी की तैयारी। ये मेरे कुछ दोस्त कितने बजे निकले थे कराची से? 5 बजे। 5 बजे कराची से निकले और रात को 3 बजे कहाँ पे, कौन सी चेक पोस्ट थी? बुजी पास के टॉप पे थे ना, बुजी पास के बाद। हाँ, पास के बाद वहाँ पे इनकी एक बाइक पंचर हो गई। ये 4 बाइक्स थी, इनका पंचर का सामान नहीं था। ये टायर लेके आए हमारे पास कि हमारे पास सामान हो, हमारे पास ट्यूबलेस टायर लगे हुए थे तो यहाँ पे सामान नहीं। अब वेट कर रहे हैं कि धुंध ख़त्म हो जाए, थोड़ी विजिबिलिटी बढ़ जाए, उसके बाद फिर जाएंगे पंचर लगा के वापस। धुंध इतनी है, हर चीज़ भीगी हुई है बिल्कुल। और भाई फराज रेडी हो? यस। बस अब चलने लगे हैं कराची के लिए। वो फराज की बाइक थी मेरी, ये इसका टायर पंचर हुआ है। ये बंदा है जो रात को निकला कराची से, उसके बाद इस जगह पे रात को 3 बजे इसका टायर पंचर हो गया और यहीं पे लोग अपना बिस्तर बिछा के सो गए। इसी के ही दो दोस्त गए हुए हैं और मारा पसनी, वहाँ से पंचर लगा के आएंगे, इसको टायर लगा के देंगे, उसके बाद ये जाएंगे। कैसा लगा फिर, मज़ा आया सड़क पे सो के? मज़ा आ रहा है, ये आ गया टायर बन के शादात का। ये वही टायर है जो हमने आपको दिखाया था और माड़ा पे, बड़ा मशहूर टायर है ये शादात, चलते हैं। ये बंदा है, ये इसकी बाइक का टायर लगाया हमने और ये लोग अब वापस कुंडमलीर आ जाएंगे। हम लोग निकल रहे हैं, हमें जाना है। ठीक है भाई, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।